नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप रबी सीजन में मक्का लगाने के बारे में सोच रहे हो तो आज मैं आपको बताऊंगा मक्का की बुआई करते समय कौन कौन सी खाद देना चाहिए ताकि जो आपका मक्का का जो पौधा है हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो और आपको आगे जाके एक जबरदस्त पैदावार दे सके। तो किसान भाइयों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, तभी क्या है आपको एक सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं प्रणव फिर से आपके अपने चैनल पीएम फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं कुशल मंगल से होंगे। किसान भाइयों, अगर आप रबी सीजन में मक्का लगाने के बारे में सोच रहे हो तो जब मक्का की बुआई करेंगे उस समय आपको डीएपी, पोटास और सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम एसएसपी के नाम से भी जानते हैं, इन तीनों को मिक्स करके उसके बाद ही मक्का की अगर बुआई करते हो तो आपका जो मक्का का जो पौधा है हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा और आगे जाके आपको एक जबरदस्त पैदावार निकाल के देगी। अगर बात करें इन तीनों खादों की जो मात्रा है कितनी देनी है, तो प्रति एकड़ आप डीएपी की जो मात्रा है 50 kg रखेंगे और सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम एसएसपी बोलते हैं, उसे प्रति एकड़ 30 kg के दर से और पोटास की जो मात्रा प्रति एकड़ 20 kg के दर से आपको देना है। इन तीनों खादों को आपस में अच्छे तरह से मिला लीजिए, उसके बाद आप मक्का की बुआई कर सकते हैं। अगर इन तीनों खादों को आप अच्छे से मिलाकर अगर मक्का की बुआई करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका जो मक्का का पौधा है हष्ट पुष्ट बलिष्ठ होगा और आपको आगे जाके एक बेहतरीन फसल दे पाएगी। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाया हूँ। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर और चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।